गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बिफोर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी नीड टू प्रोसीड ऑन दिस। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो है बेसिकली अपन मेटल्स को तीन चीजों से रिएक्ट करवाते हैं। नंबर वन इज एयर, इन विच वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑक्सीजन, राइट। नंबर सेकेंड इज एसिड, राइट, दैट कैन बी HCl, दैट कैन बी H2SO4, दैट कैन बी HNO3, राइट। और नंबर थर्ड है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज द रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। ऑलराइट, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एयर, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एयर और ऑक्सीजन, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटलिक ऑक्साइड्स, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज when metals reacts with air or oxygen, whenever metal reacts with air or oxygen, metal always converts into metallic oxide. If you talk about an example, अगर अपन एक example के बारे में बात करते हैं, just like we are taking magnesium, Mg, right? अपन ने magnesium ले लिया है, we are burning magnesium, burning in the sense, the magnesium is reacting with the oxygen, it converts into magnesium oxide, MgO. मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन या एयर से रिएक्ट करती हैं, मेटल्स हमेशा मेटलिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट होती है मेटल की। मेटल जब भी ऑक्सीजन या एयर से रिएक्ट करती है, दे कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड और मेटलिक ऑक्साइड, राइट। एग्जांपल मेटल अपन ने ले लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन अब यहाँ पे क्या है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स, क्या मेटलिक ऑक्साइड्स जो है, इनका अपन जो है इनके बारे में भी अपन पता कर सकते हैं कि ये नेचर के अंदर एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, मेटलिक ऑक्साइड को जो है एक सॉल्यूशन बना देंगे, एक्वस सॉल्यूशन, मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। इससे जो है मेटलिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? मेटलिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन के बारे में अपन को पता करना है कि सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, राइट। अभी अपन ने क्या किया है, मेटल की रिएक्शन एयर से करवा दी है, मेटलिक ऑक्साइड रिसीव कर लिया है। अब इस मेटलिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में पता करना है कि एसिडिक है या फिर बेसिक है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर लिटमस डालते हैं। जैसे ही इसमें जो है ब्लू लिटमस डालते हैं, ब्लू टर्न्स इनटू रेड, इट मींस जो मेटलिक ऑक्साइड है वो कैसे होता है नेचर के अंदर? बेसिक। नेचर के अंदर कैसे होता है ये? बेसिक, राइट। तो यहां पे जो है अपन ने मेटलिक ऑक्साइड सिंथेसाइज भी कर लिया है, इवन मेटलिक ऑक्साइड का जो है केमिकल नेचर भी पता कर लिया है, लाइक दीज आर बेसिक इन नेचर। यहां पे जो है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, दैट इज रिएक्शन विद एयर। देखो बहुत सारी ऐसी भी गैसेस होती है नेचर के अंदर
जो इजीली एयर से रिएक्ट कर लेती है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, इसीलिए जो है सोडियम और पोटेशियम को अपन किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं. सोडियम और पोटेशियम को वी शुड ऑलवेज कीप दीज टू मेटल्स इनटू कैरोसिन, बिकॉज इफ यू विल कीप दीज टू थिंग्स इन ओपन प्लेस दे विल रिएक्ट टू एटमोस्फेरिक एयर, दे कैन बर्स्ट. ये जो है ब्रस्ट हो सकती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि सोडियम और पोटेशियम जो है इनको हमेशा कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, अदरवाइज नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा विग्रस होती हैं ये. इसके अलावा मरकरी Mg मरकरी जो है ये जनरली नेचर के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. किसे पाई जाती है? लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है. यही एक ऐसी मेटल है, अदरवाइज मेटल जनरली कैसी होती है, सॉलिड होती है. मेटल जनरली नेचर में कैसी होती है, सॉलिड होती है. बट देयर इज अ मेटल दैट इज मर्करी दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, राइट. इसके अलावा आप पोटेशियम और सोडियम को जो है नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हो, बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. यहीं पर जो है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट होती है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.